नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में। और किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं कमाल की वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव खेरी, जिला झुंझुनू, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान में। और आपको मिलाऊंगा एक ऐसे युवा किसान से जो मात्र 5 बीघा 1 एकड़ से 30 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या मॉडल है, अगर आप भी छोटे किसान हैं तो इनकी ट्रिक अपनाकर आप भी 30 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। कैसे करेंगे, पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, आपका नाम बताओ सबसे पहले। नाम सर राहुल खेदड़ है, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से हूँ। अच्छा राहुल भाई, ये जो आप बोल रहे हैं 5 बीघे में 30 लाख का मॉडल, कैसे होगा, कैसे किया आपने, कैसे किया? ये क्या कि ये शुरुआत हमारे मम्मी पापा ने की थी। अच्छा, उन्होंने अनार का बगीचा लगा दिया, मौसमी का लगा दिया था। जी जी जी। तो धीरे धीरे अपनी ट्रेडिशनल खेती से अलग हटके कर रहे थे। अच्छा, फिर अच्छा। हमने जो ग्रेजुएशन किया वो एग्रीकल्चर से था हमारा बैकग्राउंड भी। अच्छा अच्छा। तो वो करके फिर हमने सोचा कि अपन बाहर जाएंगे सरकारी नौकरी के लिए, बाहर भटकना हल्का, चलते चलते बातें करेंगे हल्की। हमने बगीचा लगा लिया, उसके साथ में हम नर्सरी भी तैयार करना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। धीरे धीरे हमने सभी के मदर प्लांट लगाए, अनार, नींबू, मौसमी, सब तरीके के जो अपने क्षेत्र में हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। उन्हीं से हम पौधे तैयार करना शुरू कर दिए जी। और ये जो हमारी नर्सरी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी पंजीकृत है। अच्छा, तो कामयाबी कब मिली आपको? कामयाबी सर 2015 के अंदर की। अच्छा। 2013 तक तो मम्मी पापा कर रहे थे, 2015 में हम आ गए। अच्छा, और अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हमने इसी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक राजस्थान और पूरे भारत में किसानों के लिए एक मॉडल का है कि 5 बीघा के अंदर हम छोटी सी जमीन में मेहनत करके हम उसको कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर हम गेहूं बाजरा करते हैं अपनी इतनी कमाई भी नहीं होती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो पानी वो भी वेस्टेज होता है जी, जी। तो उसको करने के लिए जब 5 बीघे के अंदर हमने किया जी, तो हम उसको धीरे धीरे हमने बढ़ाया कि अपन ने बैकग्राउंड भी अपना एग्रीकल्चर का ही है जी। तो हमने उस चीज को बढ़ा के और एक मॉडल के रूप में पूरे भारत में इसको किया है। अच्छा, और आज भी हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हर तरीके की जो वैरायटी है हम उसको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। पूरा सिस्टम हाई टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। अच्छा। जैसे पानी के लिए सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, पौधों के लिए ड्रिप सिस्टम लगा रखा हमने जी जी। तो वो चीजें किसान भाई कम रुपए लगाकर अपनी अधिक आमदनी कर सकता है। बात करते हैं आमदनी, आप कैसे करते हो, क्या अनार बेच के हम या पौध बेच के? हमारी आमदनी है जो फलदार पौधों से भी होती है, पौध से भी होती है। अच्छा अच्छा। फलदार पौधों से हमारा अनार जाता 100 रुपए के जी यहाँ से, और मौसमी का है 50 रुपए के जी जाता है। अच्छा, तो वो तो हो गया हमारी फ्रूटिंग से कमाई। उसके बाद में इसका जो कचरा हम कटिंग जिसको बोलते हैं या वेस्टेज बोल दो, उसकी हम 10 ईयर से नए पौधे तैयार करते हैं। हाँ। वो फार्मर्स को हम सेल आउट करते हैं, तो उससे भी हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है कि हमारा एक तो पेड़ सेफ है और उसका जो बचा हुआ मटेरियल उससे नया पौधा तैयार हो रहा है, उससे हमें एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। तो सालाना हम खर्चा निकाल के 25 लाख रुपए तक हम बचत करते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें और दूसरी बात है कि एक युवा किसान इस क्षेत्र में लग रहा है, सभी के लिए देखो नौकरी नहीं है आजकल जी, सही बात। तो जो भी किसान भाई है, जो भी मानो बीएससी से ग्रेजुएशन कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि बेशक 1 बीघा के अंदर शुरुआत करे जी। अगर किसी को लग रहा है घाटे का सौदा, 1 बीघा में शुरुआत करे और उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाए। और बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स सर्किल है या और भी किसान है, युवा है, वो हमारे पास आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और वो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेडिशनल खेती को छोड़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बागवानी में एक तरीके से अच्छा स्कोप भी है। अगर अपन अच्छा करते हैं तो हमारा नाम भी होता है, साथ के साथ हमारी कमाई भी होती है। सर बात करें 1 बीघे में अगर हम अनार लगाए, कितना खर्चा आएगा और क्या आमदन है? देखो हमारा 1 बीघे के अंदर जो हमारा सीकर और झुंझुनू का बीघा होता है वो छोटा होता है। कितने बिस्से का होता है? 110x110 फीट का होता है इसके फीट अंदर। का, हाँ जी। और जो बाकी के जगह डबल होता है, डबल होता है। हाँ जी, हमारे इधर 90 पेड़ 1 बीघा में लगते हैं। ठीक है। और 1 बीघा नंबर 5 बीघा के अंदर हो गए 440 पौधे। उसके अंदर अगर हम 440 पौधे लगाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें 13,000 रुपए तक सब्सिडी मिलती है। और मोटा खर्चा हमारा ये मान लो 20 से 25,000 रुपए का आता है खर्चा 5 बीघे का आता है। अच्छा। 5 बीघा का सिर्फ 20 से 25,000 रुपए का आता है। हाँ। और जो ड्रिप सिस्टम है उसका 60,000 से 70,000 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा, अच्छा। बागवानी के अंदर जितना खर्चा होता है वो शुरू में हो जाता है, फिर अपनी जो गोबर की खाद है वो डालते रहो, 2 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो गया, इसी के अंदर अपनी मेहनत करते रहो, खेती करते रहो, धीरे धीरे प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। इसके आगे कोई भी खर्चा नहीं, फिर कमाई कमाई है और 25 साल तक चलता है। अब ये अनार का हमारा बगीचा वो 13 साल पुराना है और आज भी वैसे ही उत्पादन दे रहा है। अच्छा, अच्छा। पूरा का पूरा, और हम इसको सारा जैविक तरीके से कर रहे हैं। और हमारी जो ये हमारा बगीचा है ये राष्ट्र उससे
भारतीय जैविक प्रमाणीकरण राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था है रोका जैविक खेती की जी जी जी। उससे हमने इसको सर्टिफाइड भी करवा रखा है। अच्छा, उनकी टीम हमारे पास आती है, चेक करती है और उसके बाद में सर्टिफिकेट इश्यू करती है। तो उसमें हमें कोई दिक्कत, सेल आउट करने में हमें कोई समस्या नहीं होती। अगर हम पौधे भी सेल आउट कर रहे हैं तो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर से किसान हमारे पास आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पौधे लगाते हैं। अच्छा जी। और मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो अपन ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के बागवानी में आए, और जो कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें बाजरा गेहूं बोए, उससे अच्छा है कि अपन कम से कम 5 बीघा के अंदर शुरुआत करें, तो अपना घर भी आराम से पलता है, कमाई की कमाई होती है, घर के अंदर रहते हैं हम जी, बाहर नहीं जाना पड़ता। और मैं आज यहाँ पे 4 से 10 लेबर तक रखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कमा रहा हूँ मैं, इसीलिए रखता हूँ। अच्छा, बात करें मार्केटिंग की, मार्केटिंग ये कितने, पहले आप ये बताइए कितने साल लगते हैं फल आने के में? इसके अंदर अनार के अंदर 2 साल लगते हैं फल आने में। अच्छा, दो अच्छा, साल तक उसकी बढ़िया केयर करो, तीसरे साल अपन को उत्पादन देना शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। और एक पौधा होता है 20 किलो से लेके 30 किलो तक फल देता है, औसतन एवरेज होता है। और मार्केट के अंदर 70 रुपए तक बिकता है मंडी के अंदर। अच्छा। और अगर अपन रिटेल की बात करें तो 100-150 रुपए के जी, अगर हम खेत से बेचेंगे तो 100-150 रुपए के जी बेचते हैं, मंडी के अंदर बेचते हैं तो 70 रुपए तक बिकता है। अच्छा, तो ये एक हमारी इनकम का जो सोर्स है वो बढ़िया, हम 5 बीघा के अंदर 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं, अगर हम इसको टेक्नोलॉजी से करें तो जी जी। अब अनपढ़ की तरह करेंगे तो देखो कोई कमाई नहीं है, इसमें नुकसान ज्यादा होता है फिर जी जी, सही तो वो चीज है टेक्नोलॉजी से करो। और देखो जहाँ अपन जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं, तो आओ देखो उसके बाद में ट्राई करो, ये नहीं लगा दिया यार आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं अपन, सही बात, तो वो चीज सीख के फिर उसको अप्लाई करो, तो इसमें कमाई बहुत बढ़िया है। अच्छा सर, आपके पास कौन कौन सी पौध मिलती है? हमारे पास अनार, नींबू, मौसमी, अमरूद जी, सेव। अच्छा, जो गर्मियों के अंदर होता है हरमन 99 वेरायटी। अच्छा, और चिक्कू, आम, अंजीर, कटहल, हम 7 से 8 वेरायटीज ही हम तैयार करते हैं, और हम सिर्फ 8 वेरायटी को ही हमने बगीचे के अंदर लगाया हुआ है। अच्छा, अच्छा, मदर प्लांट के रूप में। अच्छा, अच्छा, और उन्हीं से हम पौधे तैयार करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बगीचा लगा लिया अपन ने, उसमें फल नहीं आ रहा है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो उसमें अपन को और ज्यादा लॉस हो जाता है। सर मैं आपकी बात रोक के एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, ये मैंने देखा है आजकल नर्सरी वाले फ्रॉड भी बहुत करते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा, आपने पौधे बेच दिए ठीक है जी, पौधे आपके ले लिए, किसान ने लगा लिए, 7 साल बाद या 3 साल बाद देखा इस पे फल नहीं आ रहे, ऐसा होता है? हाँ होता है, क्योंकि देखो एक तो होता है कि अपन ने नर्सरी बाहर से माल मंगाया, उसको बेच दिया बस अपना, अब उन नर्सरी वालों को भी वो गलती नहीं है, वो बाहर से मंगा रहे हैं, वो बाहर से मंगा रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहना, जहाँ से आप खरीदो ना, उसका पहले आप जाके देखो गवर्नमेंट से वो नर्सरी रजिस्टर्ड है या नहीं, वो भी चेक करो, बिल्कुल सही बात, और पूरी जानकारी लेने के बाद ही उस चीज को लगाओ। अभी आप देख रहे हो आपके पीछे किन्नू है, बिल्कुल कोई भी रोग रहित पेड़ नहीं है, बिल्कुल ये शानदार पेड़ है। और इधर आप अनार का देखिए, और इधर ये सेव का है, ये देख लो भाई, इनकी जो नर्सरी है बहुत बेहतरीन है, देख लो, ये देखो किसी भी पौधे में कोई रोग नहीं है, वो पूरा जैविक तरीके से हम इसको, सेव क्या, सेव है, सेव है, देख लो भाई गर्मी में सेव है, ये देख लो। और ये इधर हमारी जो राजस्थान का पेड़ कहते हैं खेजड़ी, खेजड़ी की लेटेस्ट वेरायटी है थारसोबा। अच्छा, इसमें सांगरी लगती है सिर्फ, सांगरी हाँ जी, केयर सांगरी, और वो बिकती भी बहुत महंगी है जी जी जी। और इधर आप पूरी नर्सरी देखोगे बिल्कुल रोग रहित है। अच्छा, अब बात करें ये जैसे कि एप्पल बेर है जी जी, इसकी क्या मतलब क्या कॉस्ट रखी है आपने, अगर कोई लेना चाहे तो? 50 रुपए से लेके 80 रुपए तक कॉस्ट रखी हुई, जो भी किसान भाई हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी हाइट का पेड़ लेते हैं वो जी जी। क्वालिटी के अंदर कोई हम कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हम आपको बताया कि ये एप्पल बेर है तो एप्पल बेर ही निकलेगा, ये नहीं दूसरा निकल गया, जो लोग लगाए एप्पल बेर निकल गया कश्मीरी बेर, वहाँ गड़बड़ हो जाता है, तो उस चीज की हम श्योरिटी देते हैं किसान भाइयों को जी। बहुत भैया आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी नर्सरी के बारे में, एप्पल बेर के बारे में, अनार के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।